अभी अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि टी राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित हैदराबाद के गोसामल क्षेत्र से विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा टी राजा सिंह को अभी तक एहतियातन हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वो 6 अप्रैल के दिन हनुमान जयंती में भाग लेने जा रहे थे। पुलिस ने टी राजा सिंह को गिरफ्तार करने के साथ ही उन्हें बोलारम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है। टी राजा सिंह को हिरासत में लिए जाने पर उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। विधायक ने कहा कि वे हर साल हनुमान जयंती के दौरान बाइक रैली में भाग लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद टी राजा सिंह ने खुद ट्वीट करके लिखा, मेरे गोसा महल निर्वाचन क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव रैली में ठीक शामिल होने से पहले बीआरएस सरकार के निर्देश पर तेलंगाना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी। टी राजा सिंह ने कहा कि अब हिंदू तेलंगाना में भी रैली में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है उन्हें पता नहीं है। टी राजा सिंह ने केसीआर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये 8वें निजाम का शासन है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को हैदराबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण को देखते हुए पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि टी राजा सिंह के ऊपर अभद्र भाषा के कई मामले दर्ज हैं और इन्हीं सभी चीजों के चलते उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया था।